इन दिनों लोगों के बीच में हथियार रखना इतना मामूली हो गया है जितना कि एक व्यक्ति ने पहले सोचा भी नहीं था। अगर किसी व्यक्ति को पिस्टल रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति जो है दूसरे तरीके से अपने पास हथियार रखने की कोशिश करता है, चाहे फिर वो देसी कट्टा रिवॉल्वर पिस्टल ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी भी तरह का हथियार अपने घर में, अपनी जेब में या अपनी पेंट में लेकर घूमता है तो उस व्यक्ति को कितने साल की सजा हो सकती है। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का वेपन लेके पब्लिक प्लेस के अंदर जाता है और वहां जाकर कोई भी पुलिस ऑफिसर उस वेपन के साथ उस व्यक्ति को पकड़ लेता है, धर दबोच लेता है, तो उस चीज के अंदर पुलिस ऑफिसर को लाइसेंस ना दिखाने पर पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वो उस व्यक्ति से उसका नाम, उसका एड्रेस पूछ सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति जो है अपना नाम और एड्रेस उस पुलिस ऑफिसर को नहीं बताता है तो वैसे केस के अंदर उस पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है और 24 घंटे के अंदर अपने पास वाले इलाके के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी हथियार लेके पब्लिक प्लेस के अंदर चलता है या फिर अपने घर में रखता है तो ऐसे केस के अंदर उस व्यक्ति को 5 साल की जेल हो सकती है और जिसे बढ़ाकर 10 साल भी किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ आर्म्स एक्ट 1959 ये भी कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एक पिस्टल को, रिवॉल्वर को, देसी कट्टे को मैन्युफैक्चर करता है यानी कि बनाता है, उसे बेचता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांसफर करता है यानी कि परचेज और सेल के अंदर लगा हुआ है तो उस चीज के अंदर उस व्यक्ति को 7 साल की जेल हो सकती है और जिसे बढ़ा करके उम्र कैद भी किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने पास किसी भी एक तरीके का हथियार रखने की सोचते हैं तो बेहतर यही रहेगा कि आप उस हथियार का गवर्नमेंट से एक पर्टिकुलर लाइसेंस ले लें, अदरवाइज आपको 5 साल की जेल हो सकती है और जिसे बढ़ाकर 10 साल भी किया जा सकता है। तो चलिए, जैसे कि आज इस वीडियो के अंदर आपने हथियारों के बारे में जाना और तो और ये भी जाना कि अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से अपने पास हथियार रखता है तो उसके कैसे परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।